वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में ये एक दूसरा सीरीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ट्रिपल सी के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की कई बार संभावना इसमें बनती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT एक आपका चैप्टर भी है, एक पेपर भी है ओ लेवल का। तो ICT में हमारा जो है ICT यानी पहले एक था R4 के सिलेबस में ICT होता था जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले तो उस पेपर से ही क्लियर हो जाता है ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY? तो PMSBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे जो है आपको बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है अगर आप इसमें अपना कोई भी, अगर आप बीमार पड़ते हैं और आपको अगर बीमारी में लगे हुए खर्चे पाने हैं और वो उसका इंश्योरेंस पाना है तो आपको ये बीमा लेना चाहिए। 5 लाख तक का बीमा है जो कि आसानी से आपको मिल सकता है। तो जो सेकेंड का आंसर है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ISP? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट कौन देता है? अगर आप किसी भी सिम के कस्टमर हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो VSNL हो, चाहे वो MTNL हो, चाहे वो और भी कंपनीज हैं टाटा, रिलायंस, इन सब के, तो अगर आप इनके कस्टमर हैं तो आप जो है उनको आप ISP जानेंगे। यानी ISP जो आपको इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स या मैसेजिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है वही ISP है। तो विप्रो एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर का काम करती है। टाटा कंपनी है, टाटा का नमक भी आता है, दैट्स वाई ये कंपनी पूरा लिख दिया है। रिलायंस जो है ये डील करती है किसमें? तो रिलायंस डील करती है आपके टेली कम्युनिकेशन में। मैक्सिमम डीलिंग इसका होता है जिसमें जियो बूम पे चल रहा है, दैट्स वाई इसका आंसर हम बी करेंगे, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन जो है पहले टाटा इंडिकॉम टाइप के फ़ोन्स निकालती थी, अब जो है इनका यहाँ पे स्थान बहुत कम है, यानी ना के बराबर, दैट्स वाई इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नेटवर्क? देखिए जब इंटरनेट बना तो इंटरनेट उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम था आर्पानेट। आर्पानेट कम्बिनेशन ऑफ 4 कंप्यूटर्स, जहाँ पे 4 कंप्यूटर्स आपस में जोड़ के डेटा ट्रांसफ़र किया गया था। तो पहले जो बनाया गया था वो बनाया था अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने, यानी कि आर्पानेट का फुल फॉर्म है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आर्पानेट। यही इंटरनेट का पहला नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई Amazon? Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड मतलब कि आप कहीं से भी सर्विसेज को एक्सेस कर लें, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड। यानी कि मैं एक MS Word की फाइल बना के और आपको शेयर कर दूँ तो वो फाइल मेरे पास भी रहे और आप भी इस्तेमाल कर लें, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड सर्विस। तो Amazon की जो वेब सर्विसेज हैं वही क्लाउड सर्विसेज को सपोर्ट कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 5th का जो आंसर है वो है बी, विच इज़ द नंबर ऑफ EMI नंबर? EMI में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ EMI? EMI में कितने नंबर होते हैं? तो 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर जो है वो 15 डिजिट का होता है। ये फ़ोन के बैटरी के पीछे लिखा होता है, यानी कि इसको आसानी से आप पा सकते हैं। शायद इसको पाने के लिए *65# करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे इम्प्रेस? इम्प्रेस में सबसे ज़्यादा जूम कितना होता है? मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम कई सारे पेपर्स में पूछा गया है। तो ये जो है 3000% का जूम सपोर्ट करता है आपका लिब्रे ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्ले और शेयर वीडियो ड्यूरिंग लाइव? लाइव कौन करता है भाई? फेसबुक लाइव, आसानी से सबको पता है कि हम फेसबुक लाइव आसानी से करते हैं। तो हमारा 8th का आंसर होगा जो है हमारा बी, यानी फेसबुक लाइव, यानी फेसबुक होगा। हाउ मेनी सेकेंड ऑफ वीडियो कैन अपलोड ऑन Instagram? Instagram पे कितने सेकेंड का वीडियो आप डाल सकते हैं? ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो वगैरह हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता
है तो इंस्टाग्राम पे वीडियो आप 30 सेकंड का पोस्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, यस ये फ्रीली अवेलेबल है, ये प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ख़रीदना पड़ता है, ये एक लाइसेंस्ड वर्जन है जिसको आप खरीद के ही चला सकते हैं। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट को प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप उसका है, उसका कोई मालिक है। ये जो है लिब्रे ऑफिस, इसका आप भी मालिक बन सकते हैं, आप भी इसको डाउनलोड करके आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यस लिब्रे ऑफिस इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए, और भी पाइथन जावा इन सब के ट्यूटोरियल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।